नमस्कार दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन से पहले 6 नए खिलाड़ी हुए हैं लिस्ट में शामिल। अब दोस्तों 338 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2020 के आगामी सत्र की। गुरुवार यानी आज को यहाँ होने वाली नीलामी में खिलाड़ियों की मंडी फिर सजने वाली है। सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि इस बार नीलामी में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिकता है। वही नीलामी से पहले बड़ी खबर आ रही है कि 332 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में 6 खिलाड़ियों के नाम और जुड़ गए हैं। अब बोली में 338 खिलाड़ी है। जी हां, आपने सही सुना। तो चलिए हम आज आपको उन 6 खिलाड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं जो आईपीएल 2020 नीलामी में अपना भविष्य तय करेंगे। तो दोस्तों वही नए शामिल खिलाड़ियों में भारतीय क्रिकेटर विनय कुमार, अशोक डिंडा, रॉबिन बिस्ट और संजय यादव का नाम है। वही विदेशी खिलाड़ियों में मैथ्यू वेड, जैक वेदरवेल्ड का नाम शामिल किया गया है। आईपीएल के 13वें सत्र की नीलामी से पहले 8 टीमों ने कुल 35 विदेशी खिलाड़ियों सहित 127 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि नीलामी में 29 विदेशी खिलाड़ी सहित 73 प्लेयर को खरीदने पर बोली लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले नीलामी में कुल 332 खिलाड़ी भाग्य आजमाएंगे और इनमें से 29 विदेशियों सहित 73 खिलाड़ियों को खरीदा जाना है। आईपीएल नीलामी का इतिहास है कि हर बार कोई ऐसा खिलाड़ी निकलकर सामने आता है जिस बार जमकर कीमत लगती है और वह रातों रात सबसे बड़ा करोड़पति बन जाता है। आईपीएल टीमों ने खिलाड़ी रिटेन किए हैं, उनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली ने 17 करोड़ रुपए की कीमत के साथ इस लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूंगा।